નમસ્કાર, હું કશિશ અને આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। મહાવીર સ્વામીના 2550માં વર્ષની ઉજવણી માટે વડોદરાથી સેંકડો જૈનો લુધિયાણાની સંક્રાંતિ મહોત્સવમાં જોડાયા હતા। દિલ્હીના જૈન સંગીતકાર મનોજ કુમારે લોકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હોવાનું માહિતી મળી રહી છે। પંજાબની ઔદ્યોગિક નગરી લુધિયાણામાં વલ્લભ સુરી સમુદાયના વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મધુરંધર સુરી મહારાજની નિશ્રામાં સંક્રાંતિ મહોત્સવ ઉજવાયો હતો, જેમાં ભારતભરમાંથી બધા રાજ્યોમાંથી લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા। સૌથી પહેલાં મંત્રોપચારથી શાંતિનાથજીના લયમાં પૂજા અર્ચન કરવામાં આવ્યું હતું। જૈન અગ્રણી દીપક શાહે જણાવ્યું હતું કે જૈનોમાં પર્યુષણના પર્વ પછી ક્ષમાપના સંક્રાંતિનું આયોજન વલ્લભ સુરી મહારાજે શરૂ કર્યું હતું। દર મહિને સંક્રાંતિનું આયોજન થાય છે, પરંતુ ક્ષમાપના સંક્રાંતિનું વિશેષ મહત્વ છે। આજે આચાર્ય મહારાજે શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી દ્વારા 20 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતા કોર્સમાં ભણાવવાની તૈયારી બતાવી હતી અને એની વિધિવત રીતે જાહેરાત કરી હતી અને કચ્છ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડૉક્ટર મોહન પટેલ તથા જૈન રિસર્ચ સેન્ટરના ડિરેક્ટર ડૉક્ટર પંકજ ઠાકરની પણ અનુમોદના કરી હતી। દરેક ઉત્તીર્ણ થનાર વ્યક્તિને કચ્છ યુનિવર્સિટી દ્વારા સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવશે। દરમિયાનમાં વડોદરાના આત્મવલ્લભ રત્નયત્રી આરાધના ટ્રસ્ટના પ્રમુખ કૌશિકભાઈ શાહે વડોદરા, બોડેલી, જીવનપુરા, ડુમા સહિત 18 જગ્યાએ ચાલતી જૈન પાઠશાળાની કાર્યક્રમોની માહિતી આપી હતી। વધુમાં જૈન અગ્રણી દીપક શાહે જણાવ્યું હતું કે 2 વર્ષ પૂર્વ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય મહારાજ પાકિસ્તાન ગુંજરાવાલામાં જેવી ગુરુ પ્રતિમા જૈનાચાર્ય આત્માનંદજી મહારાજની છે, तेवी ज आबेहूब प्रतिकृति लुधियाणा में निर्माण थाय ते हेतुथी दशेराना दिवसे शिलान्यास करवामां आवशे, एम राजेन्द्र बाघरेशाए जणाव्युं हतुं। आजना कार्यक्रम में जयदीप शाह, मनोज कोचर, जयेश शाह सहित अग्रणीओ उपस्थित रह्या हता। कार्यक्रमना अंते संक्रांतिना स्वामी वात्सल्यना लाभार्थी संजय जैन मालकस परिवारनुं बहुमान करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद विजय कोचर द्वारा संक्रांति स्तवन गावामां आव्युं हतुं। हम पंजाब के लुधियाना में वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा उनके पास है। ये वही जैनाचार्य है जिन्होंने महाराजा साईजरा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के लिए पुस्तक लिखा था। वहाँ की जो जैन एकेडमी है उसमें गुरुदेव ने पढ़ाया है और यूनिवर्सिटी ने, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर है और जो महाराजा है समरजीत सिंह गायकवाड़, उन्होंने जिनको वन मैन यूनिवर्सिटी का विरुद्ध दिया, ऐसे वर्तमान गच्छाधिपति धर्मधुरंधर साहब के पास है। आज पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे लुधियाना में एक क्षमापना संक्रांति के लिए आए हैं। मैं गुरुदेव से पूछूंगा, गुरुदेव ये क्षमापना संक्रांति है क्या, और जो श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी है उनका कुछ कोर्स चलाने वाले हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। देखिएगा, मैं एक सामान्य मुनि हूँ, मेरा नाम धर्मधुरंधर है। मैं ठीक है स्वाध्याय का रसिया जरूर हूँ, परंतु ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये तो यूनिवर्सिटी वालों की एक उदारता, और उस समय मैं वहाँ था और उनके लिए मैं उपयोगी भूमिका भज सका, ये मेरा एक सौभाग्य है। दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूँ, कच्छ यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे से संबंध बनाया और मुझको कहा कि भक्तामर स्तोत्र के ऊपर आप बोल रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को भी आप पाठ्यक्रम के रूप में यह सामग्री दें। मैंने स्वीकारा है, यह भी उनका सद्भाव ही मैं मानता हूँ। बाकी रहा दीपक, जो तुमने पूछा क्षमापना संक्रांति को लेकर के, क्षमापना वैसे तो 12 महीने संक्रांति मनाई जाती है। हम पर्युषण के बाद में आने वाली संक्रांति को क्षमापना संक्रांति के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि पर्युषण पर्व का मुख्य संदेश क्षमापना है, क्योंकि व्यक्ति अकेला जी नहीं सकता है, उसको दूसरों के साथ और दूसरों को उसके साथ संबंध रखने पड़ते हैं, और संबंध में कभी न कभी खटराग हो जाता है, कभी न कभी परस्पर में हमेशा तालमेल और हमेशा साझेदारी बनी रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी न कभी खटराग हो जाता है, तो परमात्मा इतना जानते हैं कि खटराग रख करके, विद्वेष भाव रख करके जीना बहुत कठिन है। उससे व्यवहार में तो नुकसान होता ही होता है, मगर आत्मिक रूप से जो वैरानुबंध दूसरी आत्माओं के साथ में बंध जाते हैं, वो बहुत 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 दुष्ट परिणाम इस भव में भी और आगे के भवों में भी लाते हैं। एक प्रकार से वैर परंपरा बंध जाती है। उस वैर परंपरा को खत्म करने के लिए देवाधिदेव परमात्मा ने ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में तो व्यक्ति को अपना हर किसी के साथ वैरानुबंध को तोड़ ही देना चाहिए, और वो तभी टूटता है जबकि हम एक दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं। वर्तमान काल में सबसे ज़्यादा जरूरत क्षमा भाव की है। अभी जो अलग अलग देश गुटों में जिस तरीके से विद्वेष के कारण से युद्ध चल रहे हैं, चाहे आप यूरोपीय धरती पर देखो, चाहे आप मिडिल ईस्ट में देखो, कहीं पर भी देखो ना, चाहूं और एक बहुत भयंकर, बहुत तनावपूर्ण जो वातावरण बना है, ये तनाव एकमात्र विद्वेष के कारण से है। और विद्वेष में मैं मानता हूं, हाँ, थोड़ी सी कुछ तनाव के कारण हो सकते हैं, परंतु अधिकतर भ्रांतियां। यदि एक क्षमा भाव से आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें, तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि विश्व युद्ध की नौबत आए। केवल एकमात्र वैर भाव बढ़ता जा रहा है, और वैर भाव के शमन के लिए वर्तमान काल में आदमी को, देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को, देश विदेश वालों को, विश्ववासियों को निर्वैर वृत्ति अपनाने की जरूरत है। और निर्वैरिता का संदेश श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने जो दिया, उसी को ही कहने के लिए, सुनाने के लिए, उसके प्रयोग करने के लिए यह एक प्रयोग क्षमापना संक्रांति, जो कि श्रीमद विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने जो संक्रांति की प्रथा चालू की थी, उसी में ही हमारे गुरुओं ने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया कि वर्तमान काल में यदि किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़रूरत है तो वो क्षमा भावना की है। और इसके लिए यह सम्यक क्रांति के रूप में इस क्षमापना में बनावट, सजावट, कृत्रिमता, दिखावापन यह न हो करके वास्तविकता से हम लोग क्षमा मांगे और क्षमा दें, जिसके कारण से मन हल्का भी होगा, मन प्रसन्न भी होगा, आत्मा पवित्र भी होगी, वातावरण में एक प्रकार की अलग मैत्री भाव की सुवास फैलेगी। यही एकमात्र संक्रांति के पीछे उद्देश्य है। आप बीच में पाकिस्तान गए थे, हाँ, तो वहाँ से वापस लौटने के वक्त मैंने इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने कहा था कि वहाँ की जो प्रतिकृति है उसके जैसा ही समाधि मंदिर हिंदुस्तान में भी बनेगा। तो वो चीज़ में आगे कोई काम हुआ? हाँ, आगे बहुत ज़्यादा काम हुआ। मैं जैसे ही पाकिस्तान से लौटा तो विहार करते करते मैं लुधियाना आया, क्योंकि हमारे वे गुरु जी महाराज से भी पंजाब के कहलाते थे। जीरा के पास में एक छोटा सा गांव है लहरा, वे लहरा के कहलाते थे। और वर्तमान काल में मूर्ति पूजक समाज में सबसे ज़्यादा, उस समय मूर्ति पूजक समाज नहीं थी, एक आगमों को आगम सम्मत मूर्ति पूजा सिद्धांत को समझ करके गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने मूर्ति पूजक परंपरा को अपनाया भी, जिया भी, और उसका प्रचार प्रसार भी किया। उनके प्रचार प्रसार में उनको बहुत सारे विरोध, बहुत सारे विघ्न, बाधाएं आई, वो सब कुछ उन्होंने सहा, परंतु उन्होंने कभी भी सत्य को छोड़ा नहीं। वे सत्यजीवी बन करके रहे।